उधर कुरुक्षेत्र में वैलेंटाइंस डे एक प्रेमी के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। जी हां, बीते 14 तारीख को एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा, लेकिन जब युवती के परिजनों ने घर के दरवाजे नहीं खोले तो उसने घर के बाहर ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में युवती के परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित किया गया। वहीं युवक के परिजनों ने प्रेमिका समेत उसके माँ बाप और भाई पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया। हालांकि दूसरी तरफ युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक के परिजन राजी नहीं हुए। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये कहते हैं कि उन्होंने जहर खाया है, जहर इन्होंने दिया जी उसको, उसको घर पे बैठा के, इनकी पहले से ही प्लानिंग थी, उसको घर पे बैठा के किसी भी चीज़ में लिक्विड डाला वो जो भी था, और मेरे लड़के को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मर्डर हुआ जी सरेआम, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही मेरी विनती है जी, मेरे को इंसाफ मिले बस। आज जोड़ के मेरी सभी से विनती है जी, मेरा साथ दे और आने वाली जनरेशन को थोड़ा ज्ञान दे भी, मान ले ये काम गलत तो गलत है, इसका रिजल्ट हमेशा गलत ही निकला है। करनाल हेमदा गांव का लड़का रहने वाला है शुभम उर्फ काकू। यहाँ की कोई लड़की है स्वाति नाम से, तो उससे उसका कोई काफ़ी टाइम से एज पर पेरेंट्स कि उसका उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेशन में था, तो वो 14 फेब को यहाँ उससे मिलने के लिए आया था, तो किसी बात पे लेके या घर वालों ने मिलने नहीं दिया, उस बात को लेके उसने कोई जहरीला पदार्थ खिला कर और सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स के आने पर उसके फादर ने, राजेश कुमार ने दरख्वास्त दी, जिस पे मुकदमा दर्ज करके लड़की, लड़की के फादर मदर और उसके ब्रदर के खिलाफ मुकदमा अंडर सेक्शन 306 के तहत दर्ज कर लिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी।